जय माता दी, जय महालक्ष्मी रानी। आप सभी के लिए दीपावली, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन की विशेष परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी का विधि विधान से शुभ मुहूर्त में पूजा करने से साल भर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस साल 4 नवंबर यानी कि आज गुरुवार को दिवाली मनाई जा रही है और दीपावली का जो त्यौहार है उसका कितना महत्व है, इसका इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसे लेकर तैयारियाँ कई दिनों पहले से होने लगती हैं। घरों की साफ सफाई, रंग रोगन कर माँ लक्ष्मी के मन की प्रतीक्षा की जाती है। दीपावली के दिन मां लक्ष्मी का पूजन शुभ मुहूर्त में करना विशेष फलदायी माना जाता है। प्रतिष्ठानों के लिए पूजन का अलग मुहूर्त है, वहीं घरों में मां के पूजन का अलग मुहूर्त बताया गया है। दीपावली पर मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ सफाई करना चाहिए। पूरी घर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए शुद्ध जल से छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ ही मां लक्ष्मी के आगमन के लिए पहले से ही घर के बाहर रंगोली सजा देना चाहिए। आप पूजा स्थल पर एक चौकी सजाएं और उस पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर को रख दें। चौकी पर जल से भरा एक कलश जरूर रखें। इसके बाद माँ लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियों या तस्वीरों पर तिलक लगाकर दीप जलाएं। इसके बाद अक्षत, गुड़, हल्दी, अबीर, गुलाल, फल माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर दें। इसके बाद कुबेर देवता भगवान विष्णु और सरस्वती को विधि विधान से पूजन करें। दोस्तों, एक बात आप सभी मुख्य रूप से ध्यान रखें, घर में जितने भी सदस्य मौजूद हैं सभी सदस्य माता लक्ष्मी का पूजन एकत्रित होकर ही करना चाहिए, तभी माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। भक्तगणों, आपको बता दें कि अब की बार माता लक्ष्मी के पूजन के जो मुहूर्त हैं वो दो शुभ मुहूर्त हैं। दोस्तों, पहला जो लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त है वो वृषभ लगन यानी कि स्थिर लगन में है। पहला मुहूर्त शाम 6:02 से और 7:57 तक चलने वाला है, यानी कि यह मुहूर्त वृषभ लगन में है। और जिन लोगों के पास घर में पैसे नहीं डटते हैं तो वो इस मुहूर्त में लक्ष्मी माता का पूजन करें। इसके बाद में मिथुन लगन में भी लक्ष्मी माता का शुभ पूजन मुहूर्त है। दूसरा जो मुहूर्त है वो रात्रि 7:58 से शुरू होगा, जो कि 10:11 तक आप माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, एक और मुख्य बात, घर में मौजूद सभी सदस्यों को माँ लक्ष्मी का पूजन एकत्रित होकर करना चाहिए। महालक्ष्मी पूजन के बाद घर की तिजोरी या प्रतिष्ठान की तिजोरी का पूजन करें। बही खाता और व्यापारिक उपकरण का भी आप पूजन करें और आपके पास जो भी वाहन हैं, साधन हैं, उनका भी आप पूजन करें। दोस्तों, अगर सच्चे मन से माता लक्ष्मी की आपने पूजा की है और माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय महालक्ष्मी रानी अवश्य लिखें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।